नमस्कार, मैं प्रिया। वीकली रोजगार से जुड़े समाचार में आपका स्वागत है। इसी कड़ी में सबसे पहले अब हम बात करेंगे लाइफ इंश्योरेंस ऑफ इंडिया की तरफ से निकाली गई रिक्तियों के बारे में। पद का नाम है इंश्योरेंस रिप्रेजेंटेटिव। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो सभी पदों को मिलाकर रिक्तियों की कुल संख्या 500 है। जहां तक शैक्षणिक योग्यता की बात है तो अभ्यर्थियों के पास मैट्रिकुलेशन की डिग्री होना अनिवार्य है। उम्र सीमा की बात करें तो 18 से 45 साल तय की गई है। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो इन पदों के लिए कोई आवेदन शुल्क नहीं तय किए गए हैं। आखिरी तारीख 28 फरवरी 2021 की तय की गई है। वहीं आधिकारिक वेबसाइट की बात करें तो आप LICIndia.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। ध्यान रहे, यह संक्षिप्त जानकारी है। इच्छुक आवेदक को सलाह दी जाती है कि वे इस वैकेंसी नोटिस से जुड़ी सभी आवश्यक बातों की विस्तृत जानकारी के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए वेब लिंक पर क्लिक करें। इसके बाद अब हम बात करेंगे वेस्ट बंगाल पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से निकाली गई रिक्तियों के बारे में। पद का नाम है कांस्टेबल लेडी कांस्टेबल। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो सभी पदों को मिलाकर रिक्तियों की कुल संख्या 8632 है। जहां तक शैक्षणिक योग्यता की बात है तो 10वीं पास और सही फिजिकल मेजरमेंट वाले अभ्यर्थी इन पदों के लिए आवेदन भर सकते हैं। उम्र सीमा की बात करें तो 18 से 27 साल तय की गई है। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो सभी श्रेणी के कैंडिडेट्स जो कि वेस्ट बंगाल के रहने वाले हैं उनके लिए ₹170, SC ST अभ्यर्थियों के लिए जो कि वेस्ट बंगाल के ही रहने वाले हैं उनके लिए ₹20 है। आखिरी तारीख 20 फरवरी 2021 की तय की गई है। वहीं आधिकारिक वेबसाइट की बात करें तो आप wbpolice.gov.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। ध्यान रहे, यह संक्षिप्त जानकारी है। इच्छुक आवेदक को सलाह दी जाती है कि वे इस वैकेंसी नोटिस से जुड़ी सभी आवश्यक बातों की विस्तृत जानकारी के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए वेब लिंक पर क्लिक करें। इसके बाद अब हम बात करेंगे इंडिया पोस्ट मुंबई पोस्टल सर्कल की तरफ से निकाली गई रिक्तियों के बारे में। पद का नाम है स्टाफ कार ड्राइवर। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो सभी पदों को मिलाकर रिक्तियों की कुल संख्या 12 है। जहां तक शैक्षणिक योग्यता की बात है तो 10वीं पास और ड्राइविंग लाइसेंस का होना अनिवार्य है। उम्र सीमा की बात करें तो 18 से 27 साल तय की गई है। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो आवेदकों को कोई आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। आखिरी तारीख 10 मार्च 2021 की तय की गई है। वहीं आधिकारिक वेबसाइट की बात करें तो आप www.indiapost.gov.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। ध्यान रहे, संक्षिप्त जानकारी है। इच्छुक आवेदक को सलाह दी जाती है कि वे इस वैकेंसी नोटिस से जुड़ी सभी आवश्यक बातों की विस्तृत जानकारी के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए वेब लिंक पर क्लिक करें। इसके बाद अब हम बात करेंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI की तरफ से निकाली गई रिक्तियों के बारे में। पद का नाम है ऑफिसर ग्रेड बी। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो सभी पदों को मिलाकर रिक्तियों की कुल संख्या 322 है। जहां तक शैक्षणिक योग्यता की बात है तो अभ्यर्थियों के पास ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होना अनिवार्य है। उम्र सीमा की बात करें तो 21 से 30 साल तय की गई है। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो UR OBC PH को ₹850, SC ST को ₹100, इंटरनल स्टाफ की बात करें तो कोई आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। आखिरी तारीख 15 फरवरी 2021 तय की गई है। वहीं आधिकारिक वेबसाइट की बात करें तो आप rbi.org.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। ध्यान रहे, यह संक्षिप्त जानकारी है। इच्छुक आवेदक को सलाह दी जाती है कि वो इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए वेब लिंक पर क्लिक करें। इसके बाद अब हम बात करेंगे डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO प्रूफ एंड एक्सपेरिमेंटल एस्टैब्लिशमेंट PXE चंडीपुर की तरफ से निकाली गई रिक्तियों के बारे में। पद का नाम है टेक्नीशियन डिप्लोमा अप्रेंटिस टेक्नीशियन ITI अप्रेंटिस। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो सभी पदों को मिलाकर रिक्तियों की कुल संख्या 62 है। जहां तक ट्रेड की बात है तो सिनेमेटोग्राफी, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सर्वे इंजीनियरिंग, फिटर, डीजल मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन, कंप्यूटर ऑपरेटर और प्रोग्रामिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स वेल्डर, टर्नर और मैकेनिस्ट है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो डिप्लोमा या ITI रेलेवेंट ट्रेड में होना अनिवार्य है। अगर हम एप्लीकेशन फीस की बात करें तो इन पदों के लिए फिलहाल कोई आवेदन शुल्क नहीं तय किया गया है। आखिरी तारीख 27 फरवरी 2021 की तय की गई है। आधिकारिक वेबसाइट की बात करें तो आप www.drdo.gov.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। ध्यान रहे, यह संक्षिप्त जानकारी है। इच्छुक आवेदक को सलाह दी जाती है कि वे इस वैकेंसी नोटिस से जुड़ी सभी आवश्यक बातों की विस्तृत जानकारी के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए वेब लिंक पर क्लिक करें। अब आगे हम बात करेंगे वेस्ट बंगाल पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से निकाली गई रिक्तियों के बारे में। पद का नाम है सब इंस्पेक्टर लेडी सब इंस्पेक्टर। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो सभी पदों को मिलाकर रिक्तियों की कुल संख्या 1088 है। जहां तक शैक्षणिक योग्यता की बात है तो ग्रेजुएशन और साथ साथ फिजिकल स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट का होना अनिवार्य है। जहां तक उम्र सीमा की बात है तो 20 से 27 साल तय किए गए हैं। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो SC ST जो कि वेस्ट बंगाल के रहने वाले उनके लिए ₹20 और बाकी सभी के लिए ₹270 है। आखिरी तारीख 20 फरवरी 2021 की तय की गई है। वहीं आधिकारिक वेबसाइट की बात करें तो आप wbpolice.gov.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। ध्यान रहे, संक्षिप्त जानकारी है। इच्छुक आवेदक को सलाह दी जाती है कि वो इस वैकेंसी नोटिस से जुड़ी सभी आवश्यक बातों की विस्तृत जानकारी के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए वेब लिंक पर क्लिक करें। इसके बाद अब हम बात करेंगे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बेल की तरफ से निकाली गई रिक्तियों के बारे में।
है। पद का नाम है प्रोजेक्ट इंजीनियर। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो सभी पदों को मिलाकर रिक्तों की कुल संख्या 26 है। जहां तक शैक्षणिक योग्यता की बात है तो बीई या बीटेक या बीएससी इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन में या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स या मैकेनिकल या कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग और 2 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस होना अनिवार्य है। ट्रेड की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिकल और कंप्यूटर साइंस है। जहां तक उम्र सीमा की बात है तो अधिकतम उम्र सीमा 28 साल तय की गई है। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो जनरल के लिए 500 रुपए, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए कोई आवेदन शुल्क नहीं है। आखिरी तारीख 18 फरवरी 2021 की तय की गई है। आधिकारिक वेबसाइट की बात करें तो आप www.bailindia.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। ध्यान रहे यह संक्षिप्त जानकारी है। इच्छुक आवेदक को सलाह दी जाती है कि वे इस वैकेंसी नोटिस से जुड़ी सभी आवश्यक बातों की विस्तृत जानकारी के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए वेब लिंक पर क्लिक करें। इसके बाद अब हम बात करेंगे इंडिया पोस्ट दिल्ली पोस्टल सर्कल की तरफ से निकाली गई रिक्तियों के बारे में। पद का नाम है ब्रांच पोस्ट मास्टर, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, डाक सेवक। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो सभी पदों को मिलाकर रिक्तियों की कुल संख्या 233 है। जहां तक शैक्षणिक योग्यता की बात है तो अभ्यर्थियों के पास 10वीं पास होना अनिवार्य है। जहां तक उम्र सीमा की बात है तो 18 से 40 साल तय की गई है। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो यूआर ओबीसी ईडब्ल्यूएस जो कि पुरुष है उनको 100 रुपए और महिला एससी एसटी पीडब्ल्यूडी को कोई आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। अप्लाई मोड की बात करें तो आप केवल ऑनलाइन माध्यम से आवेदन भर सकते हैं। आखिरी तारीख 26 फरवरी 2021 की तय की गई है। वहीं आधिकारिक वेबसाइट की बात करें तो आप www.indiapost.gov.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। ध्यान रहे यह संक्षिप्त जानकारी है। इच्छुक आवेदक को सलाह दी जाती है कि वे इस वैकेंसी नोटिस से जुड़ी सभी आवश्यक बातों की विस्तृत जानकारी के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए वेब लिंक पर क्लिक करें। इसके बाद अब हम बात करेंगे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी NIELIT दिल्ली की तरफ से निकाली गई रिक्तियों के बारे में। पद का नाम है सीनियर प्रोग्रामर, असिस्टेंट प्रोग्रामर, प्रोग्रामर असिस्टेंट नेटवर्क इंजीनियर, नेटवर्क स्पेशलिस्ट, सिस्टम एनालिस्ट, प्रोग्रामर असिस्टेंट डेवलपर, आईटी असिस्टेंट। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो सभी पदों को मिलाकर रिक्तियों की कुल संख्या 125 है। जहां तक शैक्षणिक योग्यता की बात है तो अभ्यर्थियों के पास बीई या बीटेक या एमई या एमटेक या एमसीए या बीएससी रेलेवेंट डिसिप्लिन में होना और साथ साथ वर्किंग एक्सपीरियंस होना भी अनिवार्य है। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो जनरल और ओबीसी को 600 रुपए, एससी एसटी ईएक्सएसएम को 300 रुपए देने होंगे। मोड ऑफ पेमेंट जो है फिलहाल तय नहीं किया गया है। आखिरी तारीख 15 फरवरी 2021 की तय की गई है। वहीं आधिकारिक वेबसाइट की बात करें तो आप www.nielit.gov.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। ध्यान रहे यह संक्षिप्त जानकारी है। इच्छुक आवेदक को सलाह दी जाती है कि वे इस वैकेंसी नोटिस से जुड़ी सभी आवश्यक बातों की विस्तृत जानकारी के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए वेब लिंक पर क्लिक करें। इसके बाद अब बात करेंगे वेस्ट सेंट्रल रेलवे जबलपुर की तरफ से निकाली गई रिक्तियों के बारे में। पद का नाम है ट्रेड अप्रेंटिस। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो सभी पदों को मिलाकर रिक्तियों की कुल संख्या 561 है। जहां तक ट्रेड की बात है तो डीजल मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर, गैस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिस्ट, फिटर, टर्नर, वायरमैन, मेसन, कारपेंटर, पेंटर, गार्डनर, फ्लोरिस्ट और लैंडस्केपिंग, पंप ऑपरेटर कम मैकेनिक, हॉर्टिकल्चर असिस्टेंट, इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी मेंटेनेंस, सीओपीए, स्टेनोग्राफर हिंदी, स्टेनोग्राफर इंग्लिश, फूड प्रोडक्शन जनरल, फूड प्रोडक्शन कुकिंग, होटल क्लर्क, रिसेप्शनिस्ट, डिजिटल फोटोग्राफर, असिस्टेंट फ्रंट ऑफिस मैनेजर, कंप्यूटिंग नेटवर्किंग टेक्नीशियन, क्रीश मैनेजमेंट असिस्टेंट, सेक्रेटेरियल असिस्टेंट, हाउसकीपर, हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर, डेंटल लैबोरेटरी टेक्नीशियन। जहां तक शैक्षणिक योग्यता की बात है तो अभ्यर्थियों के पास 10वीं पास होना और साथ ही साथ आईटीआई रेलेवेंट ट्रेड में होना अनिवार्य है। उम्र सीमा की बात करें तो 15 से 24 साल तय की गई है। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी और महिलाओं को इन पदों के लिए 70 रुपए आवेदन शुल्क देने होंगे और बाकी सभी को 170 रुपए आवेदन शुल्क के रूप में जमा करना होगा। आखिरी तारीख 27 फरवरी 2021 की तय की गई है। वहीं आधिकारिक वेबसाइट की बात करें तो आप wcr.indianrailways.gov.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। ध्यान रहे यह संक्षिप्त जानकारी है। इच्छुक आवेदक को सलाह दी जाती है कि वे इस वैकेंसी नोटिस से जुड़ी सभी आवश्यक बातों की विस्तृत जानकारी के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए वेब लिंक पर क्लिक करें। इसके बाद हम बात करेंगे राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड RCDF जयपुर की तरफ से निकाली गई रिक्तियों के बारे में। पद का नाम है जनरल मैनेजर, डिप्यूटी मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, असिस्टेंट अकाउंटेंट, असिस्टेंट डेयरी केमिस्ट, बॉयलर ऑपरेटर, जेई सिविल, लैब असिस्टेंट, डेयरी टेक्नीशियन, इलेक्ट्रीशियन, जूनियर अकाउंटेंट, परचेज, स्टोर सुपरवाइजर, प्लांट ऑपरेटर, लाइव स्टॉक सुपरवाइजर, रेफ्रिजरेशन ऑपरेटर, फिटर, वेल्डर, हेल्पर, डेयरी वर्कर, डेली सुपरवाइजर, विलेज एक्सटेंशन वर्कर। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो सभी पदों को मिलाकर रिक्तियों की कुल संख्या 503 है। जहां तक शैक्षणिक योग्यता की बात है तो अभ्यर्थियों का 8वीं, 10वीं या ITI या डिप्लोमा या 10+2 या ग्रेजुएशन या PG या B या MSc का होना अनिवार्य है। उम्र सीमा की बात करें तो 21 से 40 साल तय की गई है। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो जनरल क्रीमी लेयर जो कि BC और MBC के हैं उनको 1200 रुपए, नॉन क्रीमी लेयर जो BC, EWS और MBC, PH, SC, ST उनको 600 रुपए। आखिरी तारीख 26 फरवरी 2021 की तय की गई है। वहीं आधिकारिक वेबसाइट की बात करें तो आप RAGCRB.rajasthan.gov.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। ध्यान रहे यह संक्षिप्त जानकारी है। इच्छुक आवेदक को सलाह दी जाती है कि
वे इस वैकेंसी नोटिस से जुड़ी सभी आवश्यक बातों की विस्तृत जानकारी के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए वेब लिंक पर क्लिक करें। इसके बाद अब हम बात करेंगे भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बार्क की तरफ से निकाली गई रिक्तियों के बारे में। पद का नाम है जूनियर रिसर्च फेलो। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें तो सभी पदों को मिलाकर रिक्तियों की कुल संख्या 105 है। जहां तक सब्जेक्ट और एरिया की बात करें तो फिजिकल साइंस, केमिकल साइंस, लाइफ साइंस है। जहां तक शैक्षणिक योग्यता की बात है तो बीएससी 60% अंकों के साथ, एमएससी 55% अंकों के साथ रेलेवेंट डिसिप्लिन में। इसके साथ ही अभ्यर्थियों के पास यूजीसी, सीएसआईआर, नेट, जेईएसटी, आईसीएमआर, जेआरएफ टेस्ट, आईसीएआर, जेआरएफ टेस्ट या डीबीटी, जेआरबी बायोटेक्नोलॉजी में पास होना अनिवार्य है। इसके साथ ही गेट की परीक्षा 2019-20 देना भी अनिवार्य है। उम्र सीमा की बात करें तो 28 साल के कम उम्र के व्यक्ति इन पदों के लिए आवेदन भर सकते हैं। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो ₹500 एससीएसटी, पीडब्ल्यूडी और महिला के लिए कोई आवेदन शुल्क फिलहाल तय नहीं किए गए हैं। आखिरी तारीख 31 मार्च 2021 की तय की गई है। आधिकारिक वेबसाइट की बात करें तो आप www.bark.gov.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। ध्यान रहे, संक्षिप्त जानकारी है, इच्छुक आवेदक को सलाह दी जाती है कि वे इस वैकेंसी नोटिस से जुड़ी सभी आवश्यक बातों की विस्तृत जानकारी के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए वेब लिंक पर क्लिक करें। इसके साथ ही रोजगार से जुड़े वीकली समाचार में आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।